दोस्तों आज की वीडियो में देखते हैं ये जो नर्सरी में काफी सारे कंडोली के पौधे होते हैं वो किस तरह से उगाते हैं, वो बीज से उगाते हैं या फिर कन से उगाते हैं या फिर किस तरह से उगाते हैं, ये वीडियो में पूरी तरह से दिखने वाली है। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, काफी बढ़िया बढ़िया वीडियो इस चैनल पे आती रहती है और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। और भी हमने काफी सारे कंडोली के बारे में वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि किस तरह से उगाना है, किस तरह से बीज लगाना है, किस तरह से ज्यादा कंडोला लगना होते हैं, सारे वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे तो देख लेना। अगर इसकी लिंक चाहिए तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये देख सकते हैं ये जो पूरे के पूरे नर्सरी में ये जो कंट्रोली के ही पौधे थे तो उसे किस तरह से बना है वो हमने भी करा है तो देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये जो कंट्रोली का कंद या फिर ट्यूबर भी कह सकते हैं उसे हमें लेना है, तो इस तरह का दिखाई देगा होगा। तो हमने उसे जमीन में से यानी कि मिट्टी में से हमने पहले से ही निकाल के रखा था और इस तरह का दिखाई देगा, तो उसे क्या करना है देखते हैं। इस तरह का आपको कंद दिखाई देगा, तो सबसे पहले ये हमने चाकू लिया है तो उससे हम तीन हिस्से में ये जो कंट्रोली के कंद है उसमें काटने वाले, आपके अपने हिसाब से अपनी जो साइज में काटना चाहते हो उस हिसाब से आप रख सकते हो। ये थोड़ा सा ही साइज का था तो हमने तीन हिस्से में काट लिया था। अगर आपको दो हिस्से में काटना हो वो भी कर सकते हो या फिर चार हिस्से में काटना हो तो वो भी कर सकते हो, तो इस तरह से इसे आप काट सकते हो। और ये देख सकते हो कि ये जो कंदमूल है वो कंट्रोली के ही है और इसे हम लगा सकते हैं। अगर आपने काट दिया है तो दोनों हिस्से में आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि कोई भी जंतु ना लगे और फिर वो अच्छी तरह से उग जाए। और अगर आपके पास रूट हार्मोन है तो वो भी लगा सकते हो, तो उससे जल्दी से जल्दी आपके ये जो कंदमूल है वो तुरंत ही उग जाएंगे और आपकी कंट्रोली की पौधा बड़ा होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देख सके ये जो हमने बैग है पॉलीथीन की बैग उसमें हमने पहले से ही मिट्टी भर के रखे थे और उसमें हम फंगीसाइड का पाउडर डाला है ताकि चींटियां ना आए, अगर चींटियां आ गई तो ये जो कंदमूल को पूरी तरह से खा जाएगी और फिर अपना कंदमूल उग नहीं पाएगा। तो हमने पहले से फंगीसाइड और वो सब डाल दिया है तो चींटियां इसमें नहीं आएगी और इस तरह से आपको रख देना है सारे बैग में। तो हमने तीन ऐसे किए थे तो तीन बैग में हम डालने गए और फिर वो अच्छी तरह से ढक देना है मिट्टी से। तो तीनों में हमने फंगीसाइड भी डाल दिया और रूट हार्मोन भी थोड़ा थोड़ा डाल दिया, तो ये जो कंद है या फिर ट्यूब है वो अच्छी तरह से जब उस पर मिट्टी डालेंगे और पानी तो 15 से 20 दिन में ये अच्छी तरह से निकल आएगी। तो उसके ऊपर हमें मिट्टी डाल देनी है और अच्छी तरह से ढक देना है, ना कि उसे खुला छोड़ना है। अगर आप खुला छोड़ दोगे तो चींटे या फिर धूप ज़्यादा लगने से ये कंद या फिर ट्यूब बिगड़ भी जा सकता है, तो अच्छी तरह से मिट्टी डाल देना है और मिट्टी में थोड़ा सा पानी आप डाल देना उसके बाद, तो अच्छी तरह से उसे पानी भी मिल जाएगा और धूप भी मिल जाएगी, तो दोनों मिल जाएंगे तो ये जो कंद बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, उससे काफ़ी सारे और बेल निकल आएगी और आपका कंदमूल का पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये एक साल के लिए ऐसे ही रखना और देख सकते हैं कि ये जो 15-20 दिन के बाद ये जो पौधा उगना स्टार्ट हो गया है। और इसी तरह से आपको एक साल होने के बाद आप उसे मिट्टी में लगा सकते हो, ये पॉलीथीन की बैग है उसे निकाल के मिट्टी में लगा देना, तो अच्छी तरह से आपका भी ये पौधा बड़ा होगा और कंट्रोला लगना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये भी अपने खेत में कर सकते हो, अगर आपके पास काफ़ी सारे कन या फिर ट्यूब है तो वो भी कर सकते हो। अगर आपके पास बीज है तो बीज से किस तरह से उगाना उसका भी वीडियो बना है तो जाके चैनल पे देख लेना, वरना आईटी पे मिल जाएगा तो वहाँ से देख लिया। तो ये थी वीडियो कंप्लीट किस तरह से उगाना है। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। मिलते गए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद जय भारत।